ग्वालियर में 115 साल पुरानी ग्वालियर ट्रेड फेयर मेला शुरू करने को लेकर प्रशासन का उदासीन रवैया देखने को मिला है। दरअसल 3 दिसंबर यानी कि कल से मेले की शुरुआत की जाएगी, लेकिन मेले में फैली अव्यवस्था के चलते प्रशासन की पोल खुल चुकी है। मेले को लेकर प्रशासन की तारीफ से कोई आवश्यक तैयारियां नहीं की गई है। मेले में कोई व्यवस्था होती नजर नहीं आ रही है। जब हमने मेला सचिव निरंजन श्रीवास्तव से चर्चा की तो मेला सचिव का कहना है कि मेला शुभारंभ करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। नजर आ रही है 2020 में हमने 2021 में सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, उसका हमारा भुगतान है, अभी तक हमें भुगतान नहीं मिला। हमने अभी हम 4.25 लाख का टेंडर था, 4.25 लाख का 2 लाख इनने हमको दे दिए थे सचिव साहब ने, बोले 2 लाख से ज़्यादा हम दे नहीं सकते। बाकी अध्यक्ष जो मेले के अध्यक्ष थे वो ओम प्रकाश सतलेचा जी मंत्री हैं, वो थे, उनने फाइल साइन करी नहीं, पैसे हमें मिले नहीं। हम चाह रहे हैं कि हमारा पुराना पेमेंट मिल जाए, और नए में भी यही प्रतिक्रिया है कि नए में भी यही कोई कमेटी बनी नहीं है। हमने करीब 19 टेंडर जो जारी किए थे वो कल 3 तारीख को 1 बजे से उनके खुलने की कार्रवाई होगी। ये सब ऑनलाइन टेंडर हैं, कमेटी के समक्ष ये टेंडर खोले जाएंगे। हमारा मेला लगा था वो हमारा कुछ व्यापारी हैं जिनको कि हमें पेमेंट करना है, जिसमें बिजली के हैं, टीन वाले हैं, सीसीटीवी के हैं, सफाई वाले हैं, वो उन लोगों के पेमेंट अभी हमको करना थे।